हेलो ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई घर पर कर रहे होंगे। देखिए, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को आप जो है बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, अपने समय को बर्बाद ना करें, अपनी पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से करते रहें। और आप लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का निगमन करना बताया था, बहुत ही सिंपल तरीके से। और उनका निगमन करना आप सभी को आना भी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में निगमन भी पूछा जाता है, सूत्र को डेरिवेट करने के लिए पूछा जाता है। आज हम उसी क्रम में एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करना आप सभी को बताएंगे। पहले और दूसरे क्वेश्चन को मैंने आपके सामने नोट भी कर दिया है, और इन क्वेश्चनों का निर्देश ये है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी सिद्ध करना है और इस क्वेश्चन को भी सिद्ध करना है। सिद्ध करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बस आप क्लास को लीव करके कहीं मत जाइए, पूरी क्लास को आप ध्यान से देखिए, जिससे आपको सवालों को लगाने का तरीका पता चल जाए। रट्टा नहीं मारना है, तरीका पता करना है, ठीक। देखिए कैसे सवालों को लगाने के यहाँ पर दो तीन तरीके हैं, ठीक है। सबसे सरल तरीका क्या है, जैसे इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है 3 sin inverse x = sin inverse 3x - 4x2। सबसे पहला तरीका ये कि लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपका है 3 sin inverse x है, ठीक है। आप मान लीजिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले ही आप मान लीजिए यहाँ पर कि माना sin inverse x = आप मान लीजिए थीटा, मान लीजिए a, मान लीजिए, चलिए मैं थीटा मान लेता हूँ, क्लियर। यहाँ से x = आपको मिल जाएगा साइन थीटा। तो जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में है आपका 3 sin inverse x, तो ये आपका हो जाएगा 3 sin inverse x = आपने थीटा माना, तो ये आपका हो जाएगा 3 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। आप देखिए भाई राइट हैंड साइड, तथा राइट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, राइट हैंड साइड जैसे आप लोगों, राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है साइन इनवर्स, और देखिए दिया गया है 3x - 4x² नहीं है, सर यहाँ पर गलती से लिख गया 4x³ है, ठीक है, 4x³ लिख दीजिए। अब देखिए आपने sin inverse x = θ माना है, तो यहाँ पर देखिए x = sin θ मिला, चलिए ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट कीजिए, ये आपका हो जाएगा sin inverse 3x के स्थान पर आप sin θ पुट कर सकते हो, देखिए x = sin θ - 4 sin³θ हो जाएगा। आप सभी लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि 3 sin θ - 4 sin³θ जो होता है वो sin³θ का फार्मूला होता है, तो 3 sin θ - 4 sin³θ किसका फार्मूला है, sin³θ का, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, sin³θ के बराबर हो जाएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि sin inverse sin θ की वैल्यू जो होती है वो थीटा के बराबर होती है, यहाँ पर थीटा के स्थान पर 3θ है, तो यहाँ पर 3θ हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया तब भी हमें 3θ मिला, और राइट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया तब भी 3θ मिला, यानी हम लिख सकते हैं कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो यही चीज तो हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। और वैसे भी इस सवाल को प्रूव करने का दूसरा तरीका भी मेरे पास है, आपकी इच्छा, आप चाहे तो उस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको हिंट देता हूँ, मैंने आपको बताया, देखिए जैसे ये चीज आपको प्रूव करनी है, तो आपको ये लग रहा है कि sin³θ का फार्मूला आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आप यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है, इसको लगाने का दूसरा तरीका मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जान लीजिए आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। किसी चीज को रटना ही आवश्यक नहीं होता, उसको समझना बहुत जरूरी होता है कि आप उसको कितने तरीके से लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो भाई थीटा के बराबर है, बिल्कुल यही काम कर रहे हैं, तो x = आपका हो जाएगा साइन थीटा। बस अब यहाँ से देखिए, हम इस तरीके से सवाल को प्रूव करना बताएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आ जाएगा, आपको किसी भी साइड को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए आप सभी लोग जानते हो, क्या जानते हो, कि जो साइन 3θ का फार्मूला होता है वो कितना होता है भाई, 3 sin θ - 4 sin³θ होता है भाई कि नहीं होता है, बताइए, होता है ना। यहाँ से देखिए आप 3θ को रोकोगे तो 3θ = आपका हो जाएगा साइन, उधर जाएगा ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 3 sin θ - 4 sin³θ, क्लियर। यहाँ पर देखिए बस अब आपको वैल्यू पुट कर देना जो मानी है आपने, देखिए आपने मानी है θ = sin inverse x, तो ये जाएगा 3θ के स्थान पर लिख दीजिए sin inverse x = ये आपका हो जाएगा sin inverse 3, और sin θ के स्थान पर आप लिख सकते हो x - 4, यहाँ पर sin³θ, तो ये लिख दीजिए x³, ये
इस तरीके से प्रूव करने के लिए भी आपको सूत्र आना आवश्यक था और इस तरीके से प्रूव करने के लिए भी आपको साइन थ्री थीटा का सूत्र आना आवश्यक था। ये आप सभी लोगों ने जान लिया होगा। तो सूत्र आना बहुत जरूरी है, सूत्र नहीं आएंगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर ही क्या, त्रिकोणमिति आपको नहीं आएगी क्लास टेंथ की। ठीक है, तो सूत्र आना बहुत जरूरी है, त्रिकोणमिति आने के लिए सूत्र आना बहुत जरूरी है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को अब आप लोग प्रूव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से प्रूव करना है तो आप कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। इस तरीके से प्रूव करना है तो आप मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर लीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन इसलिए मैं बताता हूँ कि आप भी तो प्रयास करें, जिससे आप लोगों को लगना चाहिए कि आप सभी को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको स्वयं सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, इसको यहाँ पर हम रफ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि सिद्ध करना है आपको टैन इनवर्स, देखिए भाई टैन इनवर्स 2/11 प्लस टैन इनवर्स 7/24 बराबर आप में आपको प्रूव करना राइट हैंड साइड में टैन इनवर्स 1/2। यानी आप यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके दो फलन दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व करना आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि आपने टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फार्मूला पढ़ा है, मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया, उसका निगमन करना भी बताया पिछले वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर आप लिखोगे कि चूंकि आप जानते हो, यहाँ पर पहले जानते हो, क्या जानते हो कि जो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का सूत्र होता है वो आपका होता है टैन इनवर्स x प्लस y अपान में 1 - xy। सूत्र सभी लोगों ने पढ़ा है भाई, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो चूंकि करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर आप लोगों को याद नहीं तो यहाँ पर समझ जाओ। अब देखिए यहाँ पर आप जो है इस सवाल में देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है टैन इनवर्स 2/11 प्लस टैन इनवर्स 7/24। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। देखिए कैसे, इस सूत्र की सहायता से एक्स के स्थान पर 2/11 है, वाई के स्थान पर 7/24 है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 2/11 प्लस 7/24 और पूरे के बट्टे में 1 - xy, 1 - x के स्थान पर 2/11 और वाई के स्थान पर 7/24। क्लियर इतनी बात, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा टैन इनवर्स, पूरा खेल कैलकुलेशन का है बस। ठीक है, ये देखिए भाई आपका कितना हो जाएगा, 24 × 48 प्लस 11 से भाई 77 और बटे में 11 और गुड़े में कितना हो जाएगा 24। आप चाहो तो गुड़ा करो, ना चाहो तो ना करो क्योंकि वैसे भी हर से हर अभी कैंसिल हो जाएगा। तो 11 और 24 का आप गुड़ा कर लीजिए, यहाँ पर इसका एक से गुड़ा हो जाएगा तो 11 होता है 44 और 11 × 22 और 44 के 4 हासिल 26 तो 264 आएगा आप गुड़ा करोगे तो, और माइनस 2 सती कितना हो जाएगा 14 और पूरे के अपान में 11 × 24 आप गुड़ा करोगे तो कितना आएगा भाई 264। अब देखिए ये हर सेम है भाई, तो हर सर आपका कैंसिल हो गया। अब जितना बचा वो लिख दीजिए भाई, आपका बच गया टैन इनवर्स, अंश में देखिए भाई 77 - 48 जोड़ोगे 8 और 7 आपका होता है 15 हासिल आया 1, 4 × 7 = 11, 11 कितना हो जाएगा 12, 125 हो गया, बटे में आ जाइए 264 से आपको 14 माइनस करना है, आपका बच जाएगा 250। वेरी सिंपल, 125 + 25 125 × 2 = 250 होता है, ये आपको मिल गया टैन इनवर्स 1/2। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में आपको यही चीज प्रूव करनी थी जो कि आपकी प्रूव हो चुकी है बहुत ही सिंपल वे से। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप तुरंत लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए भी बेस्ट रहे। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि 2 tan inverse 1/2। इस क्वेश्चन को जो है लगाने में स्टूडेंट्स अक्सर जो है कंफ्यूज होते हैं, 2 tan inverse 1/2 प्लस tan inverse 1/7 इक्वल टू टैन इनवर्स आपको प्रूव करना है 31/17। ये चीज आपको प्रूव करनी है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस प्रॉब्लम आपको कहाँ होती है, प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि यहाँ पर भाई इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए मैंने 2 tan inverse x के आपको 3 फार्मूले बताए,
एक कॉस के पदों में, एक साइन के पदों में, टेन के पदों में। तो भैया टेन के पद वाला यूज कर लो, क्योंकि तुम्हें इधर जो है टेन के पदों में प्रूव करना है। तो टेन के पदों में लाने के लिए यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाना पड़ेगा, तभी तो टेन के पदों में आएगा। तो आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और सबसे पहला सूत्र कौन सा लगाएंगे, हम जानते हैं कि टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका टेन के पदों में होता है टेन इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन के पदों में लिखना होता तो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इतना ही फर्क होता है बस छोटा सा। तो चलिए इस सूत्र को यहाँ पर यूज कर लेते हैं, चूंकि करके हम लिख देते हैं इस डिब्बे के अंदर, जिससे आप सभी को पता चल जाए कि इस सूत्र का हम यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए ये आपको कितना हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan inverse 1 by 2 है, तो x के स्थान पर 1 by 2 है, तो इसके स्थान पर हम इस सूत्र का यूज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा tan inverse 2x, 2 गुणे x के स्थान पर 1 by 2 यहाँ पर, और बटे में 1 माइनस 1 बटे 2 का स्क्वायर कर दीजिए आप, ब्रेकर को ऑफ कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए, उसके बाद दिया गया है tan inverse 1 by 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा tan inverse, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए भाई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 कम 4, 4 से 1 जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा और प्लस इधर आप लिख दीजिए tan inverse 1 बटे 7। इसको और थोड़ा सॉल्व कीजिए भाई, देखिए कैसे सॉल्व करोगे, ये आपका हो गया tan inverse। ठीक है, देखिए ऊपर एक बचा, वो एक का बुरा 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 बटे में 4 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। उसके बाद प्लस का tan inverse आपका कितना है 1 बटे 7, उसको लिखिए भाई 1 बटे 7, इतनी बात समझ में तो आ रही है आप सभी को। अब यहाँ पर कुछ ना कीजिए, tan inverse x plus tan inverse y का फार्मूला लगा दीजिए। तो tan inverse x plus tan inverse y का फार्मूला होता है tan inverse x plus y, तो x के स्थान पर 4 बटे 3 प्लस y के स्थान पर 1 बटे 7 और बटे में 1 माइनस xy, x के स्थान पर 4 बटे 3 और y के स्थान पर 1 बटे 7। इसको हल करोगे तो ये आपका हो जाएगा tan inverse, देखिए 7 चौक 28 और प्लस 3 एक कम 3 और 7 त्रिक बटे में नीचे गुणा करेंगे 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 एक कम 21, 21 से आपका 4 जाएगा 17 बच जाएगा बटे में भाई 21। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, अब देखिए ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan inverse और ऊपर हो जाएगा देखिए 28 में 3 जोड़ेंगे 31 और बटे में कितना बचेगा 17, जो कि राइट हैंड साइड में आपको यही चीज प्रूव करनी थी tan inverse 31 बटे 17। तो राइट हैंड साइड में आपको यही चीज लानी थी जो कि आपकी प्रूव हो चुकी है। क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, बहुत ही इजी वे से मैंने आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया। तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, जिससे आप लोग बाद में रिवीजन करें तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत देख लें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चनों का जो निर्देश था वो ये था कि इनको आप प्रूव कीजिए, यानी अभी तक आपको क्वेश्चन को सिद्ध करना था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का निर्देश क्या है, निर्देश ये है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, यानी जो भी फलन दिया गया यहाँ पर आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसको सरल करना है, सरलतम रूप लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि आप tan inverse अंडर रूट देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 और बटे में देखिए क्या लिखा हुआ है x, इसको जो है आप सरलतम रूप में लिखिए। अब आप कहोगे कि सर जी हम क्या सोचेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, यानी इस अंडर रूट को सॉल्व करना है, अंडर रूट को गायब करना है। तो अंडर रूट को गायब करने के लिए x की आपको ऐसी वैल्यू मानना है जिससे कोई एक फार्मूला बन जाए, समीकरण बन जाए और अंडर रूट हट जाए। आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू कितना मान ले tan थीटा, आप कहोगे हम सोचेंगे कैसे, अरे सम संख्या क्लास 10th से आप सभी लोग पढ़ रहे हो, तीन ही सम संख्या है भाई, पहले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से भी आपके दो सूत्र निकलते हैं, और दूसरी होती है आपकी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से भी आपके दो सूत्र निकल आते हैं, जैसे cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, या cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, यानी एक ही सम संख्या से आपके दो तीन सूत्र बनते हैं। इसी तरीके से ये सम संख्या आपकी थी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सम संख्या से ये सूत्र निकला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये सारे जो है आपके क्लास 10th के सूत्र हैं, इनको बताने की कोई जरूरत नहीं, ये तो आप सभी को सोचना ही पड़ेगा भाई।
तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी इस रूट का है, इसलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करने के लिए मानेंगे भाई क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर टू बाई टेन थीटा मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर टू का टेन थीटा मानेंगे तो यहाँ से देखिए थीटा आपकी मानी हुई वैल्यू है, तो थीटा स्क्वायर टू आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ये टेन इधर जाएगा टेन इनवर्स में परिवर्तित हो जाएगा। अब चलिए बस वैल्यू रख देते हैं इस फलन में, तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स के स्थान पर टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस वन अपान में एक्स के स्थान पर टेन थीटा पुट कर दीजिए। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सरल कर लेना, वेरी सिंपल तरीका। देखिए बाहर टेन इनवर्स तो अंदर भी टेन थीटा आना चाहिए, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बाहर साइन इनवर्स तो अंदर साइन थीटा आपको बनाना है, तभी आप फॉर्मूला लगा पाओगे टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, माइनस वन अपान में कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। वेरी सिंपल, इसको आगे सॉल्व करते हैं भाई। देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स ये सेक थीटा को आप चेंज कर लीजिए वन अपान कॉस थीटा, ये हो गया वन अपान कॉस थीटा माइनस वन अपान में आ जाइए, टेन थीटा को आप लिख दीजिए साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ठीक, ये आपका हो जाएगा भाई टेन इनवर्स कॉस थीटा का गुणा वन से हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, अपान में ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अपान में केवल आपका बचेगा ओनली साइन थीटा। अब आगे सॉल्व करने के लिए आपको हाफ एंगल का फार्मूला आना चाहिए, जो कि क्लास टेंथ में या इलेवेंथ में आप सभी लोगों ने पढ़ा है। टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा, जब भी ऐसा रूट दिखाई पड़े तो कॉस थीटा का ऐसा फार्मूला हाफ एंगल वाला लगाइए जिससे वन कैंसिल हो जाए। तो देखिए वन कैंसिल करने के लिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, कॉस थीटा बराबर था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, क्योंकि बाहर माइनस लगा तो ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, अपान में आ जाइए साइन थीटा का हाफ एंगल वाला फार्मूला टू साइन थीटा बाई टू इंटू में कॉस थीटा बाई टू, तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स। देखिए ये वन वन जीरो हो गया, ऊपर बचा आपका टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, अपान में बचा भाई टू साइन थीटा बाई टू इंटू में कॉस थीटा बाई टू। यहाँ पर देखिए आप भाई आंसर और हर में टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बाई टू से एक साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आंसर में बचेगा साइन थीटा बाई टू, नीचे हर में बचेगा कॉस थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू अपान में कॉस थीटा बाई टू टेन थीटा बाई टू हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स और ये आपका हो जाएगा टेन थीटा बाई टू। सूत्र सभी लोग जानते हो, टेन इनवर्स टेन थीटा किसके बराबर था, थीटा के बराबर, थीटा के स्थान पर यहाँ क्या है थीटा बाई टू है, तो ये आपका हो जाएगा ओनली थीटा बाई टू। अब थीटा चूंकि आपकी मानी हुई वैल्यू थी, देखिए भाई थीटा बराबर कितना है आपका टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर रख दीजिए थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स और बाई टू, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके इस क्वेश्चन का सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भाई सिक्स को, इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे बोला जा रहा है भाई टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको आपको सरल करना है। दिमाग में आइडिया आ रहा होगा कि यहाँ पर x इक्वल टू हम ऐसा क्या माने जिससे ये आपका सॉल्व हो जाए। सबसे पहले तो एक बात ये सोचिए कि अगर ये tan इनवर्स है तो ये tan थीटा बनना चाहिए, इस फलन में x की ऐसी वैल्यू माने हम कि tan थीटा बनना चाहिए। अगर x इक्वल टू आप sec थीटा मान लें तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये सूत्र लग जाएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस वन जो होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बढ़िया आराम तरीके से निकल सकता है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर क्या करोगे, आप मान लोगे x इक्वल टू sec थीटा, क्लियर, तो यहाँ से आपका थीटा इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स x, थीटा रोकोगे sec इधर आएगा sec इनवर्स x। चलिए इस फलन में वैल्यू रखते हैं, तब यहाँ से आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट x के स्थान पर sec थीटा, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, किसके बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर निकलेगा, ये आपका हो जाएगा tan थीटा। अब आप सोचोगे बाहर तो tan इनवर्स है तो यहाँ पर tan थीटा आना चाहिए, ये वन अपॉन tan थीटा आ रहा है, तो क्या करें, कुछ ना करो, ये आप क्या करो भाई, जो बन रहा है उसको बनाओ पहले, tan इनवर्स वन अपॉन tan थीटा, ये आपका हो जाएगा cot थीटा।
अब आप इस कॉट थीटा को तो टेन थीटा बना सकते हो, टेन नब्बे माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट नब्बे माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स। इस कॉट को आप टेन बनाओगे तो इसको ले सकते हो टेन पाई बाई टू माइनस थीटा। कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा जो होता है, देखिए यहाँ पर मैंने टेन लिखा, कॉट नहीं लिखा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, तो कॉट थीटा के स्थान पर ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सूत्र जानते हो टेन इनवर्स टेन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। अब थीटा के स्थान पर इतनी वैल्यू है तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी पाई बाई टू माइनस थीटा के बराबर, चूंकि थीटा तो आपकी मानी हुई वैल्यू है, थीटा बराबर आपका है सेक इनवर्स एक्स, रखिए यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई टू माइनस sec इनवर्स एक्स, और ये आपके इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि 100% सिक्योर है, इसमें आपका कोई भी आंसर नहीं गलत है, यानी कोई भी मान नहीं गलत है, और उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करना बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, टैन इनवर्स देख लीजिए भाई, टैन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स। इसको आपको भाई सरल करना है, जब भी आपको ऐसा फलन दिखाई पड़े अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का ऐसा फार्मूला आप लगाइए, ये आपको ऐसा फलन कभी दिखाई दे ए प्लस एक्स अपान में ए माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वल टू आपको ए कॉस थीटा या एक्स स्क्वल टू आपको ए कॉस टू थीटा मानकर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात, जब भी आपको फलन ए प्लस एक्स अपान में ए माइनस एक्स दिखाई दे तो एक को एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा मानना है या एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा मानकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पहले से ही कॉस थीटा के रूप में दिया गया है, तो आपको मानने की कोई जरूरत नहीं, बस आप हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा दीजिए, बाकी ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। वन माइनस कॉस एक्स का फार्मूला लगा दीजिए, वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता आपका है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, चूंकि बाहर माइनस लगा इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया वन प्लस। यहाँ पर कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाइए टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, ये माइनस वन ये प्लस वन जीरो हो गया, ये प्लस वन ये माइनस वन जीरो हो गया, और ये टू से टू आपका कैंसिल हो गया, तो देखिए कितना बचा टेन इनवर्स। ऊपर देखिए अंडर रूट से साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू, और नीचे से आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ये बाहर निकलेगा कॉस एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू किसके बराबर होता है टेन एक्स बाई टू, तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। सूत्र होता है टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा के बराबर थीटा के स्थान पर एक्स बाई टू, ये फलन एक्स के रूप में था तो आंसर आपको एक्स के रूप में मिल रहा है, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जो है क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन मैंने आप सभी को समझाए वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर हम लीप करते हैं, चूंकि गर्मी बहुत है तो आज की क्लास सिर्फ इतने ही क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्लासेस मैं जो रेगुलर जो है प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।